गोरखपुर वाराणसी फोर लेन पर जीतपुर गांव के पास रविवार रात दो बाइक पर सवार पांच बदमाश युवक से रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। आरोप है कि बदमाशों ने इस दौरान धक्का देकर बाइक गिरा दी थी। घटना की सूचना पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर भी मौके पर पहुंच गए। अब तक की पूछताछ में पीड़ित ने कई बार अपने बयान को बदलाया, इस वजह से पुलिस लूट की घटना को संदिग्ध मान रही है। पुलिस को हवाला के धंधेबाज होने की आशंका है। फिलहाल बेलीपार पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात बदमाशों पर लूट का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस लूट और हवाला दोनों ही बिंदु पर काम कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही घटना का पर्दाफाश कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि कौड़ीराम धसका निवासी सुजीत के ममेरे भाई जोड़ापुर निवासी जितेंद्र का मकान बन रहा है। जितेंद्र के भाई धर्मेंद्र उर्फ बबलू को बैंकॉक में व्यवसाय करते हैं। उन्होंने किसी के माध्यम से सिंघड़िया में सुजीत को 12 लाख रुपये दिलाया। सुजीत और जितेंद्र रुपये काले रंग के बैग में रखकर घर की तरफ चल दिए। शाम करीब 7:15 पर इन लोगों ने नौसौड़ में 3,47,500 रुपये एक व्यक्ति को भुगतान कर दिया। शेष 8,52,500 रुपये से भरा बैग लेकर घर जा रहे थे। अभी वो नौसौड़ के करीब 3 किलोमीटर दूर बागागाड़ा से आगे जीतपुर गांव के समीप पहुंचे थे कि अचानक दो बाइक पर सवार पांच युवकों ने इन्हें घेर लिया और रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की। बैग का बेल्ट टूट गया तो एक ने आगे से घेर कर धक्का देकर गिरा दिया और असलहे के बल पर रुपये से भरा बैग छीनकर कौड़ीराम की तरफ भाग निकले। घटना के बाद उसने शोर मचाया तो कुछ बाइक सवार और एक जीप चालक ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन वे भाग निकले। इस बीच उसने 112 नंबर पर डायल करके पुलिस को सूचना दी। रात से ही बेलीपार पुलिस और एसओजी की टीम पीड़ित से पूछताछ कर घटना के पर्दाफाश की कोशिश में लगी है।